मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही हल्की ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जिसने ठंड के आने का एहसास अब करा दिया है। तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां जमकर बर्फबारी हो रही है। ये हसीन वादियां और भी हसीन हो गई हैं, क्योंकि बर्फ की सफेद चादर ने इनकी खूबसूरती को बढ़ा दिया है। हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये नजारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का है, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। एक तरफ जहां इस बर्फबारी से पर्यटक खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां रह रहे लोगों के लिए ये बर्फबारी थोड़ी दिक्कतें बढ़ा रही है। लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर श्रीनगर की करें तो यहाँ यातायात और टेलीफोन सेवाएं ठप हो गई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार को ही केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5 से 8 नवंबर के बीच मौसम बिगड़ने और बर्फबारी की आशंका जताई थी। ताजा बर्फबारी और बारिश से मैदान से पहाड़ों तक तापमान में भारी कमी आई है और घाटी पूरी तरह ठंड की चपेट में आ गई है। कश्मीर घाटी के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग के ऊंचाई वाले स्थानों पर करीब 2 फुट बर्फ गिरी है, जबकि तंगदुरी इलाके में 1.5 फुट बर्फबारी हुई। वहीं पर्यटकों के पहुंचने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं। बात हिमाचल की करें तो यहां पर भी जबरदस्त बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग राज्य के 10 जिलों किन्नौर, लाहौल और स्पीति और कुल्लू में जहां हल्की बर्फबारी की संभावना है, तो वहीं कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में बारिश की चेतावनी दी गई। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां बीती रात से ही मौसम खराब है। इसके साथ ही लाहौल घाटी में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मनाली के रोहतांग पास देर रात से हो रही बर्फबारी से मनाली ले नेशनल हाईवे बंद हो गया है। तो जहां एक तरफ ऊंची पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में झमाझम बारिश। फिलहाल प्रशासन ने भारी बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों और ट्रैकरों को ऊंची पहाड़ियों पर ना जाने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।